खुशबू मिश्रा शाम के 7 बज गए हैं, वक्त हो गया है महाबुलेटिन का। और इस महाबुलेटिन की शुरुआत बारिश के पानी के बाद हुए जलभराव से बड़ी परेशानी की खबर के साथ। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गुवाहाटी के चक्रेश्वर मंदिर की, आप खुद देखिए मंदिर का एक हिस्सा पानी में पूरी तरह से डूब गया है। असम में लगातार हो रही बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर प्रतिदिन बढ़ रहा है, यहाँ बाढ़ के पानी में भगवान भी डूब गए। शेषनाग पर आराम की मुद्रा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति पानी में डूब गई है। तो असम के गुवाहाटी की ये तस्वीरें आप देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर किस प्रकार से बढ़ा है, जो यहाँ पर भगवान की मूर्ति भी डूब गई है बारिश के पानी में। गुवाहाटी का चक्रेश्वर मंदिर है ये, जहां पर भगवान की मूर्ति भी पानी में डूब गई है, बारिश के पानी में डूबे हैं भगवान। जी हाँ, ये तस्वीरें असम की गुवाहाटी की, जबरदस्त बारिश हो रही है और नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है हर जगह पर। और यहाँ पर भी देखिए जो तस्वीरें हैं असम के गुवाहाटी की हैं, जहाँ पर ये मूर्ति डूबती हुई नजर आ रही है। वहीं भारी बारिश के कारण चमोली के लामबगड़ में सड़क पर मलबा आने के बाद हाईवे बंद हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों को बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट व जोशीमठ में यात्रा पड़ावों से रोका गया है। सड़क बंद होने के चलते बद्रीनाथ में 1200 यात्री रोके गए हैं, जबकि बद्रीनाथ जाने वाले 200 यात्री सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते हाईवे खोलने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। तो देखिये चमोली में बस डूबी है, एक तरफ असम के गुवाहाटी की तस्वीर है, दूसरी तरफ चमोली की तस्वीर है। असम के गुवाहाटी में जहां भगवान की जो मूर्ति लगी हुई थी वो डूब गई है, और वहीं दूसरी तरफ चमोली में बस डूबी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बस डूबी है। तो बारिश से बुरा हाल है, गुवाहाटी का चक्रेश्वर मंदिर भी है एक तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पानी में डूब गया है मंदिर, और वहीं दूसरी तस्वीर चमोली की है जहाँ पर बस डूबी है। तो बारिश से सब कुछ अस्त व्यस्त होता हुआ, नदियों के पानी का जलस्तर बढ़ रहा है और जिससे काफी परेशानियां हो रही हैं।